लगातार देश में जाति धर्म संप्रदाय के बीच बोए जा रहे हैं। वहीं शहर के चिचपुरा स्थित नव युवक गणेश मंडल पिछले 8 दशकों से यह सब भूलकर हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ भगवान श्री गणेश की स्थापना कर विधिवत पूजा अर्चना कर मानवता की एक मिसाल पेश करते आ रही है। गणेश उत्सव के दरमियान 1 और 5 वक्त की नमाज के साथ ही भगवान श्री गणेश की आरती, अभिषेक, भजन, पूजन इस आयोजन की असली पहचान है। शहर के चिचपुरा वार्ड क्रमांक 9 में स्थित शाही मस्जिद के मुख्य द्वार से सटकर नवयुवक गणेश मंडल का भव्य पंडाल और उसमें भगवान श्री गणेश की स्थापना से लेकर तो विसर्जन तक हिंदू मुस्लिम भाई एक होकर इस उत्सव को महा उत्सव में तब्दील कर बड़े ही श्रद्धा से मनाते हैं। न किसी अजान का शोर सुनाई देता है, न किसी को आरती की गूंज। सब लोग हम साथ साथ है की तर्ज पर भगवान श्री गणेश की आराधना में लीन हो जाते हैं। नवयुवक गणेश उत्सव मंडल समिति में मुस्लिम भाई भी शामिल होकर इस आयोजन में 4 चांद लगा देते हैं। कभी नमाज पहले तो कभी आरती, यही इस उत्सव की खासियत है। इस वर्ष भी बरसों से चली आ रही इस प्रथा के नवयुवक गणेश मंडल बखूबी निभा रहे हैं। कोरोना काल के 2 वर्षों बाद फिर एक बार गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस सामूहिक गणेश उत्सव को सफल बनाने हेतु सादिक भाई शेख, रफीक शाह, हफीज शाह, महबूब शाह, पूर्व नगर सेवक लक्ष्मीकांत दिफ्टे आदि परिश्रम ले रहे हैं। माझ्या इथं अर्थमित 80 ते 90 वर्ष गणपतीची आहे आणि बाजूलाच आमची मस्जिदसुद्धा आहे। ते पण तेव्हा त्याचपासून तिथे स्थायिक आहे। जे एकदा इधर गणेश भट्ट आहे, गरीब मस्जिद आहे, दोनों की एक में सहयोग करते रहते हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। राजनीति अलग है, सामाजिक अलग है और हमारी सामनेर से NBCN न्यूज़ के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।